अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली सब ठीक होगी, खैरियत से होगी। तो अल्लाह का शुक्र है मैं भी अब बेहतर हूँ और मेरी तबीयत अब कुछ बेहतर है। मेरी आइस इन्फेक्शन हो चुका था तो इस वजह से मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी। अभी भी आप देख रहे होंगे किस तरीके से मेरी रेड हुई हुई है, पता नहीं कैमरे पर आपको ठीक पता भी चल रही है या नहीं, वरना मेरी फुल रेड हुई हुई थी, मुझसे आँखें भी नहीं खुली जा रही थी, इतना बुरा इन्फेक्शन आया हुआ था। जैसे कि आपको पता है कराची में कितना ज़्यादा ये आँखों का इन्फेक्शन फैला हुआ है, तो मोहम्मद सलार की आईज आई थी उसके बाद से ये मेरे आँखों पे इन्फेक्शन हो चुका था। पहले आज गली के बच्चों को आई भी थी, वो गली के बच्चे आ गए थे वो सलार के साथ खेलने के लिए, तो सलार को इन्फेक्शन हुआ। फिर उसके बाद उसे मम्मी को देखने भी बहुत से लोग आए थे, जिनमें से किसी बहुत से लोगों का हुई भी थी। तो बस उसके ये एक दूसरे से ये पता है आपको लगती हैं, तो ये मेरी आईज आ चुकी थी और मुझे लग रहा है कोई आ चुका है घर पे। अब देखते हैं कि कौन आया है, कोई ना कोई आया होगा सलार से मिलने के लिए या सलार के साथ खेलने के लिए। तो जी आप सब कैसे हैं, कमेंट्स बॉक्स में लाजमी मुझे बताएगा कि आप सब कैसे हैं। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक बे इंतहा अच्छी रेमेडीज़ जो कि आप यूज़ करेंगे, और मुझे आपने बताना है कि आपको कैसे लगती है, और मैं आपको बताऊँगी कि इसके क्या अच्छे रिज़ल्ट आएँ, आप भी यूज़ कर सकते हैं या नहीं। मगर मैं पहले ख़ुद यूज़ करूँगी फिर आपको इसका रिज़ल्ट लाजमी बताऊँगी। इस रेमेडीज़ के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर सुना है, इसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा राय देखी है, लोगों के कमेंट्स देखे हैं, लोग बहुत अच्छी इसकी तारीफ़ कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए, क्यों ना ये रेमेडीज़ खुद इससे यूज़ की जाए और फिर आप लोगों को बताई जाए कि रेमेडीज़ के क्या फ़ायदे हैं और आप लोग यूज़ कर सकते हैं, आपके फेस के लिए ठीक रहेगी। तो इसके बारे में कंप्लीट डिटेल मैं आपको देने वाली हूँ। वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, कंप्लीट देखना है और बने रहे मेरी वीडियो के साथ। मेरी वीडियो को कंप्लीट देखें, कंप्लीट वॉच करिएगा। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इस रेमेडीज़ में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होंगी और ये किस तरीके से हम अपने स्किन पे इस्तेमाल कर सकते हैं। रेमेडीज़ के लिए हमें चाहिए एक अदद अंडा, अंडा का फंडा, तो ये एक अदद अंडा हमें चाहिए। उसके लिए साथ हमें चाहिए आटे, चावलों का आटा, जो कि अच्छे से मैंने ये चक्की से ले लिया था। चावलों का आटा ये खालिस होता है, बहुत अच्छा मिलता है चक्की। अगर आपके घर के पास कोई चक्की वगैरह है जहाँ से आप बेसन वगैरह लेते हैं, तो वहाँ से आप जाके आराम से ले सकते हैं चावलों का आटा। और साथ ही मैंने लेमन लिया था और दही ली थी, ये सब चीज़ें मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। और ये पेस्ट मेरा बनकर तैयार हो चुका है, अब मैं इसको फेस पे अप्लाई करूँगी और बताऊँगी कि ये रेमेडीज़ कैसी है, इसका क्या अच्छा रिज़ल्ट रहता है अगर चेहरे पे कोई इन्फेक्शन होता है या कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, जो भी इसका साइड इफ़ेक्ट होता है वो सब मैं आपको बता दूँगी। ये सब से पहले डरते हैं, क्या पता नहीं रेमेडीज़ कैसी हो, हमें सूट करे या नहीं करे, तो इसलिए मैं पहले अपने पर ट्राई करूँगी फिर अपनी यूट्यूब फैमिली को बताऊँगी कि आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले मैंने इसके लिए चावल का आटा लिया था, इसके अंदर मैंने एग की सफ़ेदी नहीं जर्दी डाली है, ठीक है, और आधा मैंने लेमन डाला है, 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है दही। तो ये अच्छे से मैंने इसका पेस्ट बना लिया, अब मैं अपने फेस। तो फिज़ा अली की ये रेमेडीज़ मैं यूज़ करने जा रही हूँ और देखती हूँ मेरे फेस पे क्या अच्छा रिज़ल्ट आता है। अगर अच्छा रिज़ल्ट आया तो लाजमी अपनी यूट्यूब फैमिली को बताऊँगी कि आप लोग ये ट्राई कर सकते हैं या नहीं। तो जी जल्दी जल्दी से मैं अपने फेस पे पूरा अप्लाई करी थी, मैंने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया था, वॉश करने के बाद मैंने इसको अच्छे से ड्राई कर लिया था, ड्राई करने के बाद मैं अपने पूरे फेस पर ये फेस अप्लाई कर रही थी, पूरे फेस पर अपने ये मास्क अप्लाई कर रही थी। और जल्दी जल्दी से मैंने कहा चले मैं आप अपनी यूट्यूब फैमिली को लाजमी, क्योंकि ये यूट्यूब पर आजकल बहुत ज़्यादा फेमस चल रहा है, ये मार्क्स बहुत फेमस चल रहा है, मैंने कहा क्यों ना इसकी बारे में अपनी यूट्यूब फैमिली को बताया जाए कि इसके क्या रिजल्ट हैं, इससे वाकई स्किन टाइट होगी, वाइटनिंग के तरफ जाएगी, क्या वाकई इससे अच्छा रिजल्ट आ सकता है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपको बता। A few moments later. तो जी मैंने इसको अच्छे से अप्लाई कर लिया था, ये मैं ड्राई हो चुका था, इसको मैंने 2 टाइम अप्लाई करना है, इसको हल्का से ये ड्राई हुआ था मगर अभी अभी गीला था, इसके ऊपर दोबारा मैंने इसे अप्लाई किया था। और अप्लाई करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसको जिस तरीके से फिज़ा अली ने बताया था कि आप इसको पहले लाइट सा थोड़ा सा ये आप लोगों ने करना है, फिर दोबारा से आपको उसे मेरे फेस पर अप्लाई करना है, इसको ड्राई नहीं होने देना और ये वीक में आपको 3 बार करना है। तो बहुत सस्ती सी रेमेडीज़ है, आप घर में बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, अपनी स्किन को मज़ीद अच्छा कर सकते हैं। तो अब मैं वेट करूँगी। Moments later.
यूट्यूब फैमिली को रिकमेंड करूंगी कि आप ये मास्क यूज़ कर सकते हैं, मास्क बहुत ज़बरदस्त है। जैसे कि फिज़ा अली यूज़ करती हैं, उनकी स्किन आपने देखी है कितनी टाइट और कितनी अच्छी स्किन है, तो वाकई स्किन आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। मेरी स्किन बहुत ग्लो कर रही थी, एकदम टाइट हो गई थी, वाइटनिंग हो गई थी, और मैं फेस मैंने सिर्फ पानी से वॉश किया था और मेरी स्किन बहुत अच्छी हो गई थी। तो आप भी ये रेमेडीज यूज़ कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।